हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क का फिफ्थ एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बैनर एक अलग ही यूनिवर्स में आ गया है, जहां पर जनरल रॉस प्रेसिडेंट है और वो स्टारशिप हल्क को ढूंढने के लिए आर्मी भेजता है। लेकिन स्टारशिप हल्क के सामने ये कुछ भी नहीं था। तभी जनरल रॉस स्टारशिप हल्क को रोकने के लिए उस यूनिवर्स के पीटर को आजाद करता है, जो कि स्पाइडर हल्क है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हम इस यूनिवर्स के बैनर को देखते हैं, जिसे प्रेसिडेंट रॉस ने बंद करके रखा था, और प्रेसिडेंट रॉस बैनर को टॉर्चर कर रहा था। तभी हमें मेन यूनिवर्स के ब्रूस की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि वो हमेशा से ज्यादा चाहता था। वो हमेशा से अपनी बाउंड्रीज को पार कर कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता था, और ये बात उसके लिए हर एक यूनिवर्स में सेम थी, और हर एक यूनिवर्स में वो हमेशा से खतरा रहा था। तभी रॉस अपना हाथ पोछते हुए बैनर से कहता है, क्या मैं फिर से शुरू करूं? तो बताओ मुझे, तुम्हारा वो पालतू बाहर घूम रहा है, क्या कहते हो उसे? हल्क? उसी हल्क ने हमारे देश का आधा नुकसान किया है, और अगर तुम ऐसे ही मुंह बंद करके रखोगे तो वो उस म्यूटेंट स्पाइडर से लड़ते हुए पूरे प्लेनेट को खत्म कर देगा। तो बताओ मुझे, ये जानवर तुम्हें कहाँ मिला और तुम इसे कंट्रोल कैसे करते हो? और फिर तुम मुझे बताओगे कि उसे कैसे खत्म करना है? ये सारी बातें सुनते ही बैनर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम उसे मारना चाहते हो? लेकिन तभी रॉस फिर से बैनर को एक गुस्सा मारता है, और फिर से गुस्सा मारते ही रहता है। और तब बैनर कहता है, प्लीज रॉस रुक जाओ। तभी रॉस बैनर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, बताओ मुझे कि वो चीज क्या है? जिस पर बैनर कहता है कि वो चीज बैनर ही है, लेकिन जब वो गुस्सा होता है तब वो ऐसा बन जाता है। यहाँ दूसरी तरफ स्टारशिप हल्क और स्पाइडर हल्क पे लड़ाई जारी थी, और स्पाइडर हल्क स्टारशिप हल्क पर भारी पड़ रहा था। तो वही अंदर से बैनर मशीन से उसका स्टेटस पूछता है, जिस पर मशीन ब्रूस को बताती है कि अभी स्टेज 4 चल रहा है और सिचुएशन कंट्रोल में है। और तब हम देखते हैं कि स्टेज 4 में हल्क के सामने सारे ज़ॉम्बी हीरोज थे, जिन्हें हल्क खत्म कर रहा था। तभी ब्रूस कहता है कि अब वक्त आ गया है स्टेज 5 का, और यह कहते ही ब्रूस स्टेज 5 एक्टिवेट कर देता है। तभी वहां पर बेटी आ जाती है और ब्रूस से कहती है कि वो हल्क को मार देगा, जिस पर ब्रूस बेटी को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी बाहर से स्पाइडर हल्क स्टारशिप हल्क को उठाकर फेंक देता है। यहां अंदर बेटी ब्रूस से कहती है कि वो तो सिर्फ एक बच्चा है, जिस पर ब्रूस बेटी से कहता है कि वो कब से हल्क की परवाह करने लगी और वो इतना खास कैसे हो गया, जिस पर बेटी कहती है कि वो यहाँ असली में नहीं है, लेकिन वो जानती है कि किसी बच्चे को बंद करके रखना और परेशान करने का दर्द क्या होता है। यहाँ बाहर स्पाइडर हल्क स्टारशिप हल्क का हेलमेट तोड़ देता है। तो वही अंदर बेटी आगे कहने लगती है कि जब तुम किसी की आजादी छीनते हो तो उसके पास सिर्फ गुस्सा ही रह जाता है, और वो वही बन जाता है जिससे लोग परेशान थे। तभी हमें हल्क दिखाई देता है, जो अंदर ज़ॉम्बी हीरोज को मार रहा था। तभी वहां से सारे ज़ॉम्बी हीरोज गायब हो जाते हैं, और तब हल्क को उसकी तरफ म्योनिर आते हुए दिखाई देता है। और तब हम देखते हैं कि स्टेज 5 एक्टिवेट हो चुका है, और वो स्टेज था गॉड्स का स्टेज, जिसमें हल्क सारे गॉड से लड़ेगा। हल्क वहां आए सारे गॉड से लड़ने लगता है, जिसके कारण स्टारशिप हल्क भी पावरफुल हो चुका था, और वो अगले ही पल स्टारशिप हल्क को एक पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। यहाँ दूसरी तरफ बैनर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे ये रोकना चाहिए। तभी आगे बैनर कहता है कि उसे बायोवेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करना था, और वो जानना चाहता था कि ये जो भी मिले कामा लोगों को पोर्टल के जरिए कहाँ भेजा जा रहा है। लेकिन तभी उस पोर्टल में से उसे हल्क मिल गया, जो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन रॉस उसकी कुछ भी नहीं सुनता है और अपने गार्ड से कहता है कि उसे बैनर के साथ कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। यहाँ स्पाइडर हल्क स्टारशिप हल्क के एक पंच खाते ही फिर से ह्यूमन फॉर्म में रिवर्ट हो जाता है और कहता है कि उसे और लड़ना नहीं है। लेकिन तभी वो आसमान में कुछ ड्रोन्स देखता है, जो नीचे जमीन पर बॉम्ब्स फेंक रहे थे। यहाँ अंदर बैनर बेटी से कहता है कि वो यूं ही परेशान हो रही है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से धमाका होता है
और बैनर दूर जा गिरता है। तभी बैनर देखता है कि उसे कोई विजुअल्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो कंप्यूटर से पूछने लगता है, जिस पर मशीन उसे बताती है कि कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए उसे यहाँ से निकलना होगा, जिस पर बैनर वहां से जाने के लिए मना करता है। तभी बेटी ब्रूस से कहती है कि वो यूं ही परेशान हो रहा है। यहाँ रॉस बैनर से कहता है कि उसे खुशी हो रही है कि बैनर उस गामा लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, और वो ये है कि हमें उस पोर्टल के जरिए सिर्फ कमजोर गामा लोगों को भेजा था और सबसे ताकतवरों को अपने पास ही रखा था, और एक रिचर्ड नाम के बंदे ने हमें उन्हें कंट्रोल करना सिखाया, और अब वो सारे गामा लोग हमारे लिए काम करते हैं। ये सुनते ही बैनर रॉस से कहता है कि वो पागल हो गया है, जिस पर रॉस कहता है कि नहीं, वो पागल नहीं है बल्कि देशभक्त है। क्या लगता है कि हम इस जंग को कैसे जीत गए? जिस पर बैनर सोचने लगता है। यहाँ स्टेज 5 में सारे गॉड्स हल पर भारी पड़ रहे थे। तभी अंदर ब्रूस बेटी से कहता है कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि जो कुछ भी बाहर चल रहा है वो उसे कंट्रोल करना होगा। जिस पर बेटी ब्रूस से कहती है कि जरा वो अपने आप को देखे जो यहाँ पर फंसा हुआ है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? और तब हम देखते हैं कि बेटी की आंखें बदल गई थी। तभी ये देखकर ब्रूस बेटी से कहता है कि वो आखिरकार कर क्या रही है। तभी बेटी आगे बढ़ती है और कहती है कि ब्रूस कभी किसी की नहीं सुनता है, और उसने कहा था कि वो सच में यहाँ नहीं है। और ये कहते ही बेटी स्टेज 6 को एक्टिवेट करती है, और हम देखते हैं कि स्टेज 6 एक्टिवेट हो गया था, और इस स्टेज में हल्क के सामने सारे डीमंस थे, और ये सारे डीमंस हल्क पर अटैक कर रहे थे। यहाँ बैनर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि रॉस एक मॉन्स्टर है और वो ऐसा कर नहीं सकता है, और हम देखते हैं कि रॉस ने कुछ ड्रोन्स भेजे थे, जिन ड्रोन्स में से कुछ बड़े बॉम्ब्स फेंके थे, और उस बॉम्ब में से कोई बाहर निकलने लगता है। तभी रॉस बैनर से कहता है कि उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, जिस पर बैनर रॉस से कहता है कि वो उन गामा लोगों को ऐसे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वे लोग भी कभी इंसान थे, जिस पर रॉस कहता है कि उन लोगों में अब इंसानियत नहीं है। और तब हम देखते हैं कि उन बॉम्ब्स में से बहुत सारे गामा से इन्फेक्टेड लोग बाहर निकलते हैं, जिन्हें रॉस ने एबोमिनेशन नाम दिया था, और स्टारशिप हल्क उनके सामने खड़ा था। यहाँ ब्रूस गिरते हुए चिल्लाता है, तो वही डीमंस हल्क पर भारी पड़ रहे थे, और हल्क भी चिल्ला रहा था। तभी बेटी ब्रूस से कहती है कि उसने ये कमाल की चीज बनाई है, और इसीलिए उसे अपने बेटे पर नाज है। ये सुनते ही ब्रूस कहता है नहीं, लेकिन तभी बेटी ब्रूस के दोनों हाथों को पकड़ती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है, और ये कहते ही वो ब्रूस को नीचे फेंक देती है। ब्रूस नीचे गिर रहा था और चिल्ला रहा था, और बेटी अब ब्रूस की जगह पर बैठ गई थी, और धीरे धीरे स्टेज 8 एक्टिवेट करती है, और फिर स्टेज 9 को एक्टिवेट कर देती है, और वो ये सब कुछ करके देखना चाहती थी कि आखिर होने वाला क्या है। और हम बाहर देखते हैं कि सारे एबोमिनेशंस ने स्टारशिप हल्क पर अटैक कर दिया था, लेकिन हल्क की आंखें चमकने लगती है, और अगले ही पल हल्क अपनी आंखों से हीट विजन निकालता है और उन सारे गामा लोगों को मार डालता है।